वेलकम टू बिग आई बी ए ओजीडी स्कॉलरशिप के हवाले से आज हमारा लेक्चर है, वेरी इंपॉर्टेंट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। फर्स्ट क्वेश्चन इनके आएंगे, तो आइए देखते हैं कि आपको किस तरीके से टॉपिक पढ़ना है और किस पैटर्न को आपको यूज़ करना है और किस टाइप के जो है क्वेश्चन आते हैं। देखो पेसिक जो है 8 नंबर, ध्यान से पढ़ना, इसको बार बार बोल रहा हूँ, पहले ध्यान से इसको पढ़ना है, उसके बाद जो है फोकस करना है साइड पर। लेस देन 100 ईयर अगो न्यूजीलैंड वॉज मेड अप ऑफ 6 सेपरेट कॉलोनीज। दीज कॉलोनीज वर रूल्ड बाय द ब्रिटिश। देन इन 1908 The colony united to form the Commonwealth of New Zealand. Today, New Zealand is in independent countries, but it is also a member of Commonwealth of Nations. This is a group of countries that were once under British rule. The head of Commonwealth of Nations is Queen Elizabeth of England. This also makes her Queen of New Zealand. But the Queen does not rule the New Zealands. They vote for their own lawmaker. Who meet in Parliament House in Canberra, the capital city. ध्यान से बार बार आपको उस चीज़ों को पढ़ना है, उसके बाद जो है आपको MCQs सॉल्व करना है, आपको बार बार पढ़ना है, उसके बाद MCQs सॉल्व करना है। इसको मैंने 2-3 मरतबा पढ़ा, उसके बाद इसको सॉल्व किया है, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन, द MCQs फर्स्ट जो बन रहा है, द पैसेज इज अबाउट, जो मतलब कहने का है जो ये पैसेज है ये किस पर है। क्वेश्चन नंबर ए, क्वीन एलिजाबेथ एज द हेड ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, क्या जो पैसेज है क्वीन एलिजा के बारे में है जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, क्या ये न्यूजीलैंड की स्ट्रगल जदोजहद के हवाले से है आज़ादी की। ऑप्शन नंबर सी, द 6 कॉलोनीज यूनाइटेड टू फॉर्म द कॉमनवेल्थ ऑफ न्यूजीलैंड, क्या ये जो पैसेज है वो 6 कॉलोनी के हवाले से है। ऑप्शन नंबर डी, द न्यूजीलैंड पास स्टेटस एज द ब्रिटिश कॉलोनी एंड इट प्रेजेंट इंडिपेंडेंट स्टेट्स। जी तो आप क्या समझते हैं जल्दी से बताएं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है कि जो ये पैसेज जो है हमने पढ़ा ये किस पर है, ध्यान से पढ़ें आपको खुद बताएंगे आप। तो मैं बताता हूँ आपका, तो ये जो सारा का सारा टॉपिक है ये ब्रिटिश के हवाले से है, न्यूजीलैंड की जो इनिशियल जो पास जो स्टेटस थे ब्रिटिश के उनके हवाले से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई भी है, देखो हाउ क्वीन यूज टू रूल द न्यूजीलैंड इन कॉलोनी डेथ। तो देखिए ये सारा का सारा टॉपिक है वो बात कर रहा है ब्रिटिश के हवाले से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, न्यूजीलैंड पास स्टेटस एज अ ब्रिटिश कॉलोनी एंड इट प्रेजेंट इंडिपेंडेंट स्टेट। आप खुद पढ़ें, लेस देन 100 ईयर अगो द न्यूजीलैंड वॉज मेड ऑफ 6 सेपरेट कॉलोनी, मतलब पास्ट की बात कर रहा है न्यूजीलैंड की आप। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हुआ, तो इस टाइप के जो है पैसेज बनेंगे। अब दूसरा देखते हैं, एज स्टेटेड इन द पैसेज क्वीन, जो स्टेटस जो पैसेज है क्वीन का वो क्या है, ध्यान से देखें, चूज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाउस इन न्यूजीलैंड, जो क्वीन का किरदार है उसके बारे में पूछ रहा है कि पैसेज में क्वीन का क्या स्टेटस है, स्टेट है, ठीक है। बी, स्टिल्स लिव्स इन हर रेजिडेंस इन कैनबेरा द कैपिटल सिटी,
ऑप्शन नंबर सी इज द सोल पावर इन कॉमनवेल्थ ऑफ न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर डी इज द मोस्ट पावरफुल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हाउस, ऑप्शन नंबर ई हैज नो पॉलिटिकल पावर इन न्यूजीलैंड। ध्यान से देखिए यहां से, दिस इज द ग्रुप ऑफ द कंट्री दैट वर वंस अंडर द ब्रिटिश रूल, द क्वीन ऑफ न्यूजीलैंड, बट द क्वीन डजंट रूल इन द न्यूजीलैंड्स, They vote for their own lawmakers who meet the Parliament House in Canberra, the capital city. तो इसका राइट ऑप्शन है, जब ये क्वीन कन्वर्ट हुई थी तो वहाँ पर डजंट रूल, वहाँ पर कोई भी रूल नहीं था, कोई गवर्नमेंट नहीं थी। इट मीन्स हैज नो पॉलिटिकल पावर इन न्यूजीलैंड, उस टाइम पर न्यूजीलैंड में पॉलिटिकल पावर नहीं था। ऑप्शन नंबर सी ई इज करेक्ट 100%। मैंने तीन मरतबा इस चीज़ों को पढ़ा हुआ, तीन मरतबा जाके उसके बाद जो है इसकी सॉल्यूशन, तो उस वजह से आपको बोल रहा हूँ कि आप अच्छे नमूने से इसको पढ़ना है।